हमीरपुर में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने यूथ फेस्टिवल की प्रतियोगिताओं में विजयी रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों के सहयोग से कालाधन व भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रयास सफल होगा और कैश रहित समाज की दिशा में आगे बढ़ने व डिजिटल बैंकिंग के प्रचलन को बढ़ाने में देश की युवा शक्ति प्रमुख भूमिका अदा करें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज हमीरपुर से डिजिटल बैंकिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इसमें शिक्षण संस्थानों व बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों से जुड़े लोगों, युवाओं, छात्रों को, अपने परिवार से जुड़े लोगों को बैंकिंग क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने की दिशा में जागरूक कर सकें। 500 हजार के नोट बंद करने के बाद डिजिटल पेमेंट की ओर देश कैसे बढ़े, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डिजिटल पैसा का अभियान भी चलाया और आज हमीरपुर के गौतम गर्ल्स कॉलेज में हमने प्रयास किया है कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को सिखाने के बाद वो जनता को सिखा सके, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, दुकानदारों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सकें और पैसे का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से हो। सर क्या कहते हैं, जब से नोटबंदी हुई है तो समय लगेगा बदलाव लाने में। अगर देश बदलना है तो रातों रात नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर पूरे युवा ताकत के साथ लगेगा, समाज बदलने के लिए तैयार होगा तो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त, कालाधन मुक्त करने का एक सफल प्रयास होगा। इस अवसर पर विधायक विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर, भाजीमो के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री, संसदीय क्षेत्र के संगठन प्रभारी संजीव कटवाल, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष विशाल चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, यूथ फेस्टिवल में विभिन्न कॉलेजों से आए हुए सैकड़ों प्रतिभागी सहित कॉलेज की छात्र छात्राएँ उपस्थित रही। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।